Good morning, student. Take out your science book with me and open chapter 5, page number 51. Page number 51. Yesterday we learned about solid, liquid and gases. Today's topic is change of form. Change of form. Let's remember first. Now write date and classwork. Date and classwork. Sort the following, write S for solid, L for liquid and G for gas. इसमें से जो आपको solid है वहाँ S write करेंगे, जो liquid है वहाँ L write करेंगे और जो gas है उसको G write करेंगे. Today this is your work. Do it in your book में ही करेंगे. Today's topic change of form. Water freezes to form ice. Ice melt to form water. When water is heated longer, small bubbles start forming. This process is called boiling. जब हम water को फ्रीज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? आइस में. जब देखा आप फ्रिज में आइस ट्रे में वाटर डाल के अब फ्रीजर में रख दीजिए तो थोड़े ए 1 या 2 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि वो वाटर किस में चेंज हो गया है? आइस में. और फिर वही आइस ट्रे को आप बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो देखेंगे वो आइस मेल्ट हो गई है और फिर किस में चेंज हो गई है? वाटर में. और जब हम उस वाटर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं और बहुत समय तक, जब देखते हैं बहुत टाइम हो गया है, काफी देर, उसमें छोटे छोटे से बबल, स्मॉल बबल्स स्टार्ट हो जाते हैं, पानी बॉयल होने लगता है, तो हम देखते हैं उसमें से स्टीम ऊपर की ओर उड़ने लगती है ना, राइज अप बॉइलिंग, बॉयल होने लगता है वाटर और फिर वो वाटर गैस के रूप में ऊपर चला जाता है, फॉर्म हो जाता है, गैस बन जाती है. द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू स्टीम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को जब हम वाटर को बॉयल करते हैं और वो बॉयल होकर जो स्टीम होती है वो स्टीम निकलती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एवेपोरेशन, इवेपोरेशन. इफ यू होल्ड अ लिड ऑन अ प्लेट अबव बॉइलिंग वाटर, द स्टीम टच द लिड, द स्टीम देन कूल डाउन एंड चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर. अब हम देखते हैं जब पानी, वाटर बॉयल होता है, अगर हम उसके ऊपर एक लिड या ढक्कन को होल्ड करके पकड़े रहेंगे और उस स्टीम, जब हमारी जो बॉयल हो रहा है वाटर, वो स्टीम क्या होगी, उस लिड पे क्या होगी, टच होगी और टच होने पे वो ठंडी हो जाती है और ठंडे होने पर जब देखेंगे लिड के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं. और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, ये स्टीम जब ठंडी हो गई तो ये स्टीम चेंज होके स्टीम वाटर में चेंज हो गई है. और इस प्रोसेस को जब ये स्टीम इस लिड में टच होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. इससे पहले हमने देखा इवेपोरेशन, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, बॉयल करने पे जो स्टीम निकलती है उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. और जब ये स्टीम वापस वाटर में चेंज हो जाती है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. स्टीम कंडेंस टू फॉर्म वाटर और फिर स्टीम वाटर में चेंज हो जाती है. ओके, थैंक यू.